हरिह पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्छति पूर्णस्य शिष्यते ॐ शान्त शान्त शान्ते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्व श्विनावधीतमस्तु मा विद्विषव ॐ शान्तः शान्तः शान्ते मोलिये चिदानन्द भगवान की, श्री देव भगवान की, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मलीन, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सतगुरुदेव जी महाराज जिन महापुरुषों के सत्य संकल्प से निरंतर इस पवित्र स्थान पर सत्संग स्वाध्याय का क्रम चल रहा है उन ब्रह्मलीन महापुरुषों का स्मरण करते हुए सत, ओ, सामने बैठे हुए पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी सतसंग प्रेमी सज्जनो भक्ति श्रद्धा मई ईश्वर के विशेष अनुग्रह के फल स्वरूप आप सभी लोग यहाँ पर बैठ कर के जो परा विद्या है यदअक्षर अतिगम्य जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति होती है उस विद्या का आप लोग श्रवण कर रहे और इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है जो समस्त दुखों से समस्त अशांति से समस्त बंधनों से समस्त क्लेशों से मुक्त करने वाली ऐसी जो विद्या ऐसा जो ज्ञान वो हम लोगों को सुलभ हो रहा है सुनने के लिए समझने के लिए जीवन में धारण करने के लिए और धारण करके आत्म भावों में स्थित होने के लिए तो यही परम सौभाग्य है तो प्रश्न किया था सौनक जी ने अंगिरा से कि भगव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवती भगवान किस एक तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए परमात्मा का स्वरूप बतलाते हैं द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में तो पहले वाला जो ये मंत्र है पाठ तो आप लोगों ने कर ही लिया है तो कैसा है परमात्मा का स्वरूप कहते परमात्मा आविही माने प्रकाश स्वरूप है परमात्मा प्रकाश स्वरूप है सबको प्रकाशित करने वाला है आपके हृदय देश में बैठ करके जो समस्त करण समुदाय को समस्त इंद्रिय समुदाय को जिसने सत्ता दी हुई है स्फूर्ति दी हुई है चेतना दी हुई है ऐसा वह चेतन आत्म तत्व है जिस चेतन की कृपा प्राप्त करके ये जड़ होती हुई बुद्धि चेतन प्रतीत होती है ये जड़ होते हुए मन चेतन के समान भासता है ये जड़ होती हुई इंद्रिया चेतन वत प्रतीत होती है और ये जड़ होता हुआ शरीर प्राण आदि ये सब के सब चेतन के समान क्या है क्रिया इनमें हो रही है तो उस चेतन आत्मा की सत्ता से ही तो वही एक ऐसा तत्व है सौनक जी जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है और वही अधिष्ठान तत्व सतचित आनंद रूप से सब में अनुगत है सबका अधिष्ठान है सब में समाया हुआ है, है ना जैसे कोई वस्तु है तो उसमें क्या है सत चिद आनंद और नाम रूप नाम रूप क्या है कल्पना है नाम रूप क्या है जैसे घड़ा है तो घड़े में घड़ा जो ये नाम और घड़ा जो आकार ये क्या है ये कुम्हार की कल्पना है किसकी कल्पना है कुम्हार की कल्पना है लेकिन घड़े में जो हैपना है पना है घड़ा है और घड़ा जो ज्ञान का विषय हो रहा है चिद घड़ा क्या हो रहा है ज्ञान का विषय हो रहा है और घड़ा कुछ काम भी आता है आनंद देता है पानी उसमें ठंडा होता है तो इस प्रकार सत माने है पना चिद माने ज्ञानपना और आनंद माने आनंदपना उस घट में विद्यमान है तो किसका है वो वो सच्चिदानंद का ही है ना आत्मा का ही है ना देखो नाम रूप बदलते रहते हैं नाम रूप व्यभिचारी है और सतचित आनंद क्या है वो सर्वानुगत है सब में सबका अधिष्ठान है सबका समस्त कल्पनाओं का अधिष्ठान है।, है जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान के बिना क्या सर्प की सत्ता हो सकती है अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्त की कोई सत्ता नहीं होती अध्यस्त जो है वो अधिष्ठान रूप ही होता है अध्यस्त जो है वो क्या है जैसे जो कल्पित सर्प है वो क्या है रस्सी रूप है कल्पित सर्प रस्सी रूप है इसी प्रकार से ये जो जगत है अधिष्ठान रूप चेतन में भास रहा है अधिष्ठान रूप चेतन में अध्यस्त है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विवर्तवाद बोलते है। इसको क्या बोलते हैं विवर्तवाद बोलते हैं ऐसे नहीं कि जैसे परमात्मा उत्पन्न हो गया परमात्मा से जगत उत्पन्न हो गया जैसे मिट्टी से घड़ा ऐसे नहीं या परमात्मा कोई परिणाम भी नहीं है जैसे दूध से दही परमात्मा का यह जगत क्या है विवर्त है परमात्मा का ये जगत विवर्त है न तो उत्पन्न हुआ है और न ये किसी परमात्मा के परिणाम का ही फल है जैसे रस्सी में सर्प भासता है अज्ञान से इसी प्रकार परमात्मा को न जानने के कारण से ये जगत उसमें भाष रहा है तो अधिष्ठान तो वह ब्रह्म ही है तो नाम रूप बदलता रहता है जैसे वृक्ष है नाम क्या है वृक्ष और आकार उसका एक आकार विशेष है और लेकिन सचिदानंद उसमें अनुगत है ना वृक्ष है वृक्ष का ज्ञान होता है और वृक्ष क्या करता है छाया आदि देता है लकड़ी देता है तो आनंद भी देता है फल देता है अब वृक्ष को क्या किया काट दिया वृक्ष को काट दिया अब क्या कहेंगे उसको लकड़ी हो गई ना लकड़ी नाम क्या पड़ गया लकड़ी आकार क्या हो गया जिस आकार में आप उसको काटे लेकिन लकड़ी में भी जो सच्चिदानंद वृक्ष में था वो लकड़ी में भी है लकड़ी है लकड़ी का ज्ञान होता है और लकड़ी आनंद देती है ना मकान बनाते हैं सर्दी में जला करके तापते हैं भोजन बनाते हैं अब लकड़ी को जला दिया तो नाम रूप बदल गया लेकिन सच्चिदानंद वही रहा तो अब नाम क्या बढ़ गया राख और आकार क्या हो गया उसका ढेर लेकिन राख है राख का ज्ञान होता है और राख बर्तनादि मांजने के या भस्मी लगाने के काम आती है तो सच्चिदानंद रूप से परमात्मा सब लोग कहते हैं कि परमात्मा व्यापक है परमात्मा व्यापक है लेकिन कैसे व्यापक है तो वो सतचित आनंद रूप से व्यापक है क्या है सतचित आनंद रूप से व्यापक है और विशेष रूप से कहा समाया हुआ है विशेष रूप से आपके हृदय में समाया हुआ है विशेष रूप से आपके हृदय में समाया हुआ है और सामान्य रूप से व्यापक है जैसे लकड़ी है ना लकड़ी में या माचिस में आग है या नहीं है है, लेकिन वो जलाती नहीं है माचिस की डब्बी आपने अपनी जेब में रखी हो जलाती है क्या क्यों नहीं जलाती है क्योंकि वो सामान्य रूप से विद्यमान है और जब आप उसको घिस देंगे तब तो वो क्या हो जाएगी विशेष रूप से प्रकट हो गई अब उस अग्नि से जलाया भी जा सकता है भोजन भी पकाया जा सकता है और सर्दी भी भगाई जा सकती है तो विशेष जो अग्नि है वही आपकी सहायक या बाधक बनी है ना इसी प्रकार से जो विशेष चेतन है वो क्या है, है करण रूप या अविद्या रूप उपाधि से वो तो विशेष चेतन कहाँ विराजमान है आपके हृदय में ही विराजमान इसलिए प्राप्ति होगी कहा हो 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 अनुभव नहीं हुआ हृदय में प्राप्ति नहीं हुई उसको परमात्मा की प्राप्ति कहीं भी घूमे कहीं भी दौड़े प्राप्ति होने वाली नहीं सबसे पहले अपने हृदय में उस सच्चिदानंद की साक्षी रूप से अनुभूति करनी आवश्यक है लोग पूछते क्या करना चाहिए महाराज क्या करना चाहिए तो सतसंग करना चाहिए क्या करना चाहिए एकांत में हो तो क्या करना चाहिए कि मनन करना चाहिए क्या महाराज मनन भी करें तो फिर क्या करना चाहिए दिद्यासन करना चाहिए तो शुरुआत कैसे करें? तो हम कहते हैं शुरुआत यही करें जैसे यहाँ पर परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की फोटो लगी हुई है तो एक बार कहते हैं स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने परम पूज्य गुरुदेव उड़िया बाबा जी से पूछा कि महाराज क्या करना चाहिए तो उड़िया बाबा जी ने कहा ध्यान करना चाहिए क्या करना चाहिए किसका ध्यान करे जी सब लोग ध्यान करते हैं कहते हैं, शरीर का ध्यान करो किसका ध्यान करो का। शरीर का क्या महाराज शरीर का क्या ध्यान करना अरे कह रहे यही ध्यान करो कि मैं शरीर क्या ध्यान करना है कि मैं शरीर नहीं हूं शरीर को देखने वाला हूं ये शरीर जो पंच महाभूतों का पिंड है विकार है कार्य है मैं इस शरीर को देखने वाला हूं जैसे मैं पुस्तक को देख रहा हूं ना जैसे मैं माइक को देख रहा हूं ना वैसे ही इससे अलग होकर इसको देखने वाला बनना चाहिए इसके साक्षी हो जाए यदि आप इस स्थूल शरीर के भी साक्षी हो गए तो भी आप समझो कितनी चीजों से पिंड छूट गया ये स्थूल शरीर क्या होता है मोटा पतला होता है जन्मता मरता है काला गोरा है और भूख प्यास लगती है कभी बीमार कभी स्वस्थ होता है तो ये सब कौन है स्थूल शरीर है यदि आप ये माने कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूं तो क्या होगा कितने भय कितने बंधन कितने अशांति से आप मुक्त होगे काम अभी बहुत बाकी है पंच कोश विवेक ये तो अभी पहले क्या है स्थूल शरीर क्या है अन्नमय कोश है लेकिन अन्नमय कोश से अलग हटो तो सही पहले तो अन्नमय कोश इस स्थूल शरीर के साक्षी बनो सबसे पहले साक्षी बनो साक्षी देखो इसको अलग से जैसे मैं पुस्तक को देख रहा हूं वैसे मैं इस शरीर को देख रहा हूं बैठे हुए देख रहा हूं लेटे हुए देख रहा हूं चलते हुए देख रहा हूं ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं मैं इसको जानने वाला हूं मैं इसको देख रहा हूं इतना पहले अभ्यास करो और इस अभ्यास को क्या करो पक्का कर लो बड़ा दृढ़ कर लो तो अब आप देख लीजिए कितने भय से छूट गए कितने बंधन से छूट गए कितना आनंद कितने हल्के हो जाएंगे आप हैं कि जीते जी शरीर रहते रहते आपने शरीर छोड़ दिया एक और प्रसंग ऐसा ही आता है स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पावन प्रसंग नाम की जो पुस्तक है उसमें एक प्रसंग और आता है एक बार कहते हैं स्वामी जी हरिद्वार जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके तो जो उनकी सीट थी उस सीट पर कोई नास्तिक व्यक्ति होगा वो लेटा हुआ था अब जगह थी नहीं तो ये कोने में थोड़ी सी जगह बची हुई थी उस पर बैठ गई अब वो व्यक्ति बड़ा नास्तिक था वो संत को सताने लगा लात मारने लगा इनको तो ये चुपचाप संत स्वभाव के अनुसार सहन करते रहे कि साधु का तो साधु कहते ही किसको है जो सहिष्णु हो जो तितिक्षु हो सर्वप्रथम लक्षण क्या दिया है संत का तितिक्षव जो तितिक्षु हो जो सहनशील हो जो क्षमाशील हो वही तो साधु है अब दत्तात्रेय जी महाराज ने पृथ्वी से यही तो शिक्षा ली है सहन शक्ति की और क्षमा करने की कि जीव ये प्राणी वर्ग इस पृथ्वी पर कितना उत्पाद मचाते हैं, कितनी उछल कूद करते हैं कितना इसके ऊपर इसको खोदते पाड़ते हैं गंदगी करते हैं, लेकिन ये पृथ्वी क्या करती है सबको सहन कर लेती है और क्षमा कर देती है ऐसा अवधूत है। तो संत तो कहते ही उसको है जो तितिक्षु जो तितिक्षु हो, हो, सहनशील तो महाराज अखंडानंद जी महाराज को लात मारने लगा वो सहन करते रहे तब वो उनको कुछ अपशब्द बोल करके वो व्यक्ति और चुप हो गया जब वो पहुंचे अपने गुरुदेव के पास तो उनको बताया कि महाराज ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ घटी मेरे को एक ऐसा व्यक्ति था पहले तो मेरी सीट नहीं छोड़ी और फिर मैं बैठ गया कोने पर तो लात मारने लगा अब मैं साधु साधु स्वभाव के अनुसार मैंने सहन किया लेकिन बुरा तो मेरे को लगा दुख तो मेरे को हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि जिस जगह आप बैठे थे ऐसी जगह तो लात ही लगती है जैसी जगह पर आप बैठे थे जिस स्थान पर आप बैठे थे ऐसी जगह क्या लगती है लात ही लगती है कहने लगे महाराज समझे नहीं अरे आप शरीर में बैठे हुए थे आप कहा बैठे थे अब कोई आप ये बताओ जो कूड़े का ढेर जहां पर डाला जाता है जहां पर कूड़ा डाला जाता है कूड़े का ढेर है तो कूड़ा वहीं ले जा करके डालेंगे ना या कहीं और ले जा करके डालेंगे तो वैसे ये शरीर है ये है क्या पंच महाभूतों का विकार मात्र है तो यदि तुम इसमें बैठोगे इसको मैं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर तो लात लगनी ही है क्योंकि कोई भी आएगा वहां पर आकर के कूड़ा डालेगा ही तो शरीर को मैं मानना सब देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है और सब पाप इससे छोटे है सब पाप का ये इस शरीर को मैं मानना इस शरीर को मैं मानना यही क्या है सबसे बड़ा पाप है शुरुआत हो जाती है यहीं से यहीं से तो शुरुआत है फिर मैं है तो फिर मेरे है मेरे आ गए तो फिर पराए भी आ गए और जहां मेरे और पराए आ गए वहां माया आ गई माया क्या है माया कोई स्त्री का नाम नहीं है माया कोई ऐसी चीज हो जिसने मंत्र मारा हो और ये जीव मोहित हो गया हो ऐसा नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है माया क्या है मैं और मोर तोर ते माया यही वसकी ना जीव निकाया मैं मेरा तू तेरा यही तो माया है मैं मेरा तू तेरा यही माया है जबकि वही एक मैं जो समस्त तू में और समस्त यह में विद्यमान है विराजा हुआ है है तो एक और देखता क्या है अनेक है ना देखता क्या है मैं तू यह है वह है क्या एक ही है मैं ही मैं है मैं ही मैं हूं यहां गैर का कोई काम नहीं मैं ही मैं हूं यहां गैर का कोई काम नहीं और जाते मुतलिक में मेरे रूप नहीं नाम नहीं मेरे अपने स्वरूप में नाम रूप नहीं है नाम रूप कल्पना है नाम रूप कल्पना है जैसे घड़ा नाम और घड़ा रूप ये कुमार की कल्पना है जैसे सोने में आभूषण नाम और आभूषण का आकार ये सुनार की कल्पना है इसी प्रकार से मुझ चेतन आत्मा में अज्ञान से नाम रूप की कल्पना करके और ये स्वयं ही बंद गया स्वयं ही कल्पना करने वाला और स्वयं ही बंद जाने वाला और बंद करके स्वयं ही मुक्ति के लिए सुख के लिए अनेक यत्न करने वाला और बाहर सुख मान करके नाना प्रकार की वासनाओं से नाना प्रकार के कर्म करने वाला और नाना प्रकार के शुभ अशुभ पाप पुण्य फल को प्राप्त करने वाला और उनका भोग भोगने के लिए नाना प्रकार के लोकों में नाना प्रकार की योनियों में भटकने वाला जन्म लेने वाला कौन है ये सब स्वयं ही है अपनी ही अज्ञानता और अपनी ही कल्पना से वास्तव में कुछ बना ही नहीं ना कुछ भयो न है नहीं हवे है जगत मनोरथ मात्र विलास ताकि प्राप्ति निवृत्ति न चाहत यो ज्ञानी के कोई ना आस ना कुछ भयो ना है नहीं हवे है जगत मनोरथ ना तो कुछ हुआ ना कुछ है और ना कुछ होगा क्या है बस एक अधिष्ठान आत्मा है एक अधिष्ठान साक्षी रूप सच्चिदानंद रूप चेतन आत्मा में हूं बाकी सभी कल्पना है है ना तो बन गया तब माया में जीव गोसाई हो कीर मरकट की नाई कैसे बंधा हुआ है किसने बांधा हुआ है क्या इसको किसने बांधा हुआ है? है किसी काल ने बांधा हो किसी ईश्वर ने बांधा हो किसी और ने कर्म ने बांधा हो किसी ने नहीं बांधा है स्वयं बंध गया है स्वयं बंध गया है कैसे बंध गया है जैसे तोते को पकड़ने वाले क्या करते हैं वृक्ष के ऊपर दाना रख करके और फिरकी बांध देते फिरकी वो चक्री और तोता आकर के दाना खाने के लिए उसके ऊपर बैठता है वो यो घूम जाती है चक्री अब तोते का शरीर नीचे और पैर ऊपर को हो जाते वो बड़ी दृढ़ता से पकड़ लेता है और ये सोचता है कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया मेरे को किसी ने पकड़ लिया है किसी ने पकड़ा है क्या उसको तो ऐसे ही बंधे हुए हैं हम ऐसे ही किसी ईश्वर ने नहीं बांधा है किसी कर्म ने नहीं बांधा है किसी काल विशेष ने इसको नहीं बांधा इसी प्रकार जैसे मरकट जैसे बंदर बन बंद जाता है बंदर का बंधना देखा है आप लोगों ने बंदर को पकड़ने वाले कहते हैं कि एक जो छोटे मुंह वाली मटकी उसमें कुछ चने के दाने डाल देते हैं और बंदर देख रहा होता है कि चने के दाने उसमें पड़े हुए हैं और वो दौड़ता है खाने के लिए उठाने के लिए हाथ डालता है तो उसको चने मिलते हैं तो खा लेता है फिर वो एक हाथ की जगह क्या करता है दोनों हाथ डाल देता है और मुट्ठी भर लेता है चने से मुट्ठी भर लेता है बांध लेता है और हाथ बाहर खींचता है निकालता है निकलता तो सोचता है किसी ने मेरे को मटके के अंदर पकड़ लिया किसी ने मेरे को किसने पकड़ा है किसने पकड़ा है क्या अपने से ही पकड़ा गया अपने चित्र से ही पकड़ा गया अपने मन से ही पकड़ा गया मन में ही बंधन है मन में ही मुक्ति है।, है ना मुक्ताभिमान्य मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्य जो जैसा अभिमान करे यदि अभिमान करे कि मैं मुक्त हूँ मैं चेतन हूं मैं आत्मा हूं तो मुक्त है और जो कहे कि नहीं मैं तो बंधा हुआ हूं मैं तो परिछिन्न हूँ मैं तो जीव हूँ मैं तो शरीर हूँ तो वो क्या है वो बंधा हुआ है तो जैसा अभिमान करे है ना अभिमान करता बंद का सो मूड़ बंधन युक्त है अभिमान करता मुक्ति का सुधीर निश्चय मुक्त है जैसी मति वैसी गति लोकोक्ति यह सच मान कर भवब से निर्मुक्त हो हो जा अजर हो जा अमर हो जा अजर हो जा अमर अरे क्यों बंधा हुआ है भाई है ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू ईश का भी ईश है तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ है से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है है ना बताइए कहाँ कहाँ शीश झुकाता फिरता है समझता नहीं है रहस्य को समझता नहीं है तत्व को समझता नहीं है वास्तविकता को ये तो उपनिषदों की और गुरुजनों की कृपा से ये रहस्य समझ में आ जाए तो तत्काल ही शांति और मुक्ति का अनुभव हो जाता है अन्यथा पता नहीं क्या क्या पाने के लिए और कहां-कहां भटकता -कहां रहता है कभी ऐश्वर्य चाहता है क्या ऐश्वर्य की कामना करनी सबके अंदर आत्म रूप से मैं ही तो हूं सबके अंदर कहते हैं चोरी करके दौड़न लागा और पकड़न वाला तू का तू ऐसा खेल रचा मेरे दाता जित जित दे तित तू ही तू सबके अंदर कौन है वही विराजमान है सबके अंदर वही समाया हुआ है तो सब में उसी का दर्शन करें सब में उसी का क्या करें सुनी चै स्वा के च पंडिता समदर्शिना क्या करते हैं पंडित लोग अब साधारण बोलचाल में पंडित किसी को भी बोल देते हैं। लेकिन पंडित का मतलब क्या है पंडा आत्म विषयणी बुद्धि यशास्ती स पंडित पंडित कौन है पंडा पंडा माने बुद्धि कैसी बुद्धि निरंतर आत्मचिंतन में लगी हुई बुद्धि समझ लीजिए निरंतर आत्मचिंतन में लगी हुई बुद्धि को क्या बोलते पंडा और ऐसी बुद्धि वाला जो है उसको कहते हैं और आप क्या बोल देते हो किसी को भी पंडित बोल देते हो ना पंडित जी धारान ना पंडित होना इतना सहज है क्या पंडित सोई जो पिंड की जाने निर्मल हृदय वस्तु पिछाने पंडित वही है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पंडिता सम पंडित लोग समदर्शन करते हैं सब में कुत्ते में चांडाल में ब्राह्मण में गाय में हाथी में सब में क्या करते हैं सम है, दर्शन करते हैं परमात्मा दर्शन करते हैं आत्म दर्शन करते लेकिन समवर्तन मत करने लग जाना है सम दर्शन करना वर्तन व्यवहार सम हो ही नहीं सकता हो सकता है क्या व्यवहार होता ही विषमता में व्यवहार कभी सम हो सकता है आंखें कहे बहुत दिन हो गए मेरे को देखते देखते अब तो आप ब्रह्मज्ञानी हो गए हो अब तो मैं मुख का काम मैं करूंगी और आंखों का काम अब आप मुख को दे दो तो ऐसा है क्या बाया हाथ बाया ही रहेगा दाया हाथ दाया ही रहेगा अब कोई साथ साथ चले बाया भी कहे बाया हाथ भी कहे मेरे को भी दाहिनी तरफ होना है अरे तू बाई जगह ठीक है अपने आप में पर्याप्त है अपने आप में परिपूर्ण है क्यों किसी के जैसा बनना चाहता है क्यों किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, है? क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता है क्या लेकिन ये सब क्या है कि सम व्यवहार हो व्यवहार सम हो ही नहीं सकता पिता के साथ पिता जैसा पुत्र के साथ पुत्र जैसा माता के साथ माता जैसा और पत्नी के साथ पत्नी जैसा और पुत्री के साथ पुत्री जैसा भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार तो ज्ञान होने के पश्चात भी क्या रहेगा यथावत ही रहेगा जैसे व्यवहार में बना रहता है और व्यवहार कभी भी सम नहीं हो सकता है ऐसे तो है नहीं कि पिता आए तो जैसे पुत्र आया उसको नीचे बैठाया और पिता आया उसको भी नीचे बैठाए ऐसा क्या व्यवहार है एक ऐसा भी हम लोगों ने सुना है कि ऐसा धर्म चला है कुछ शायद निराकार या निरंकार ऐसे कुछ करके बोलते हैं तो उसमें क्या है पिता पुत्र के पैर छूता है और पुत्र पिता के पैर छूता है सास जो है बहू के पैर छूती है बहु सास के पैर छूती है और ससुर जो है वो बहू के पैर छूता है बहु जो है वो ससुर के पैर छूती है कहते है, सब में भगवान है सबके अंदर परमात्मा है अरे परमात्मा सबके अंदर है लेकिन व्यवहार सम करोगे क्या हैं सारी सामाजिक जो व्यवस्था है मर्यादा है सब क्षीण हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो व्यवहार सम नहीं हो सकता है कभी भी है ना वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा युवा के साथ युवा जैसा और बालक के साथ बालक जैसा यथावत व्यवहार करना चाहिए हाँ सबके अंदर परमात्मा है परमात्मा दर्शन करो गाय के अंदर भी है और मनुष्य के अंदर भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आदमी को भूख लगे तो उसके आगे घास रख दो और गाय के आगे रोटी रख दो तो रोटी देना ठीक है लेकिन पेट किससे भरेगा घास से ही भरेगा ना है उसके शरीर का स्ट्रक्चर इस, इस तरह का है कि उसको घास ही अच्छे से पचता है और हमारा शरीर इस तरह का है कि हमारे शरीर को घास फूस आदि उतना अच्छे से पचेगा नहीं उसके लिए तो अन्न नहीं चाहिए तो व्यवहार तो विषम ही रहेगा व्यवहार को सम करने का प्रयास हाँ मर्यादित आपका व्यवहार हो आपका व्यवहार कैसा हो मर्यादा के अनुकूल हो किसी भी प्रकार से दोष रहित व्यवहार आपको करना चाहिए हाँ जी तो क्या कह रहे हैं क्यों चाहता है तू हम्म तू तो ईश का भी ईश है और तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है सबके सब किस से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं उस चेतन आत्मा से सबके सब मुझ चेतन आत्मा से ही सत्ता पा करके क्या हो गए हैं सत्तावान होकर के विद्यमान है।, है ना विचार सागर में आया है जो सुख नित्य प्रकाश विभु ने दूसरा अवधि अपार स्वरूप मम लहरि विष्णु महेश विधि रविचंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश अवधि अपार स्वरूप मम मेरा स्वरूप क्या है समुद्र के समान अथाह है अपार है लहरी विष्णु महेश विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम ये सब के सब क्या है तरंग है जल में क्या है तरंग मात्र है और तरंग जो है ना लहर वो कभी अपने जो मूल स्वरूप जल है उससे अलग होती है क्या उससे अलग है क्या तो चेतन आत्मा क्या है जल है और ये नाम रूप सब लहर है और जब लहर है ना तब भी क्या है तब वो जल नहीं है क्या देखो संसार के रहते रहते भी शरीर के रहते रहते भी जीवत्व के रहते रहते भी क्या है आप चेतन आत्मा हो लहर है तो तब जल नहीं है क्या किसी व्यक्ति को कहा जाए कि चलो तेरे को जल दिखाते समुद्र दिखाते वो आया तो समुद्र उस समय शांत नहीं था समुद्र में क्या थी लहरें थी तो वो कहने लगा आया तो था मैं समुद्र देखने जल देखने लेकिन यहां पर तो क्या है जल तो दिखाई नहीं दिया और अरे भाई ये जो लहर है ये जल से अलग है क्या यदि इनमें से जल निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा लहर नाम की कोई चीज रहेगी क्या कोई नहीं है। तो ये लहर जल रूप ही है लेकिन आप क्या चाहते हो कि हमें तो ऐसा जल जल का मतलब आप लोग ऐसी कल्पना करते हो जैसे बाल्टी में रखा हुआ हलचल से रही है? तो हमें ऐसा जल मिले जिसमें कोई हलचल ना हो देखो लहर से पहले भी लहर के बाद भी और जब लहर है तब भी क्या चीज है जल है इसी प्रकार इस संसार से पहले भी इस संसार के बाद भी और ये संसार है तब भी क्या है एक आत्मा ही परिपूर्ण रूप से विराज जब वृत्ति है जब आप आप अपने आप को जीव मान रहे हो वृत्ति के कारण ही ना अंत करण की वृत्ति बहिर्मुख होना उसी का नाम अंत करण है वृत्ति का बहिर्मुख होना इसी का नाम क्या है मन है जब ये आपकी वृत्ति अपने आप को विषय करती है तब क्या है आप आत्मरूप हो जब आपकी वृत्ति आप अपने आप को विषय करती है तब ये मन कहो ये वृत्ति कहो आत्मा में लय हो जाती है जैसे लहर जल में लय हो गई मन कुछ नहीं है एक तरंग मात्र है एक वृत्ति मात्र है तो चेतन में लहर उठी उसी का नाम क्या है मन है उसी का नाम क्या है मन है तो ये मन क्या है आत्मरूप ही है मन क्या है मन तू ज्योति स्वरूप है अपना रूप पिछान ये मन क्या है ज्योति स्वरूप है ना आत्म स्वरूप है ना तो आत्मा में तरंग उठी उसी का नाम क्या पड़ गया चित्त कहो मन कहो अंतःकरण कहो वो बाह्य विषयों को विषय करता है तो मन है और आत्मा में लय हो जाए आत्मा को विषय करे तो वो आत्मरूप हो जाता है क्या हो जाता है आत्मा में लीन हो जाता है लहर की तरह जब उठ गई तो नाम पड़ गया लहर और जब समा गई तब क्या हो गया जल लेकिन जब लहर है तब भी जल ही है जब लहर है तब भी जल ही है इसी प्रकार ये वृत्ति है ये मन है ये चित्त है ये अंत्यकरण है तब भी क्या है आत्मा ही और एक बात और आप समझो या मत समझो आप हो तो आत्मा ही आप समझो या मत समझो आप क्या हो यदि समझो तो आप है नहीं समझो तो आप और बिन समझे से होते है बीच काल संताप यदि आप ये जानो कि मैं आत्मा हूं तब भी आप आत्मा हूं यदि आप ना जानो तो भी क्या हो कुछ और हो गए क्या तो भी आप आत्मा हो यदि आप नहीं समझते क्या होता है फिर बिन समझे से होते है बीच काल अपने आप को जीव मान लेते हो अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियों वाला शरीर वाला मान लेते हो और इसी कारण से हम लोगों को क्या उठाना पड़ता है संताप दुख क्लेश भोगना पड़ता है आप मानो या मत मानो आप जानो या मत जानो आप हो क्या आप आत्मा ही हो तो ऐसा श्रुति पुकार पुकार करके कह रही है क्या कह रही है और बारंबार कह रही है क्या कह रही है बारंबार, बारंबार क्यों कह रहे हैं बारं बारंबार इसलिए कह रहे हैं कि संसार का संग या ये अज्ञान इतना गहन हो गया कि निकल करके नहीं दे रहा है बारंबार करने पर भी बारंबार समझाने पर भी तो किसी तरह ये बुद्धि में स्थिर हो जाए किसी तरह ये बुद्धि में स्थिर हो जाए कि मैं आत्मा हूँ शरीर आदि में नहीं हूँ ये बात बुद्धि में स्थिर हो जाए तो यही परब्रह्म पराविद्या है जिसका ज्ञान सौनक जी को अंगिरा ऋषि दे रहे तो कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है ये क्या है प्रकाश स्वरूप है सबको प्रकाशित करने वाला है स्वयं प्रकाश रूप है चेतन आत्मा मैं मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूं इस शरीर के बचपने को इस शरीर की जवानी को इस शरीर के बुढ़ापे को जानने वाला कौन है तो मैं हूं और आप कहेंगे महाराज आप कहा जानने वाले तो हम मन बुद्धि से जानते हैं लेकिन मन बुद्धि को भी कौन जानता है मैं जान रहा हूं ना मेरा मन यहाँ से वहां चला गया कौन जान रहा है मैं जान रहा हूं ना मन में जो कुछ चल रहा है कौन जान रहा है मैं जान रहा हूं ना बुद्धि ने जो निश्चय किया है उसको कौन जान रहा है मैं जान रहा हूं ना तो अंत में जो जानने वाला शेष रह जाए वही चेतन है वही आत्मा है वही में समझ आ रही है बात नहीं मैं शरीर नहीं हूं साधारण रूप से समझ में आ जाता है मैं इंद्रिया नहीं हूं साधारण रूप से समझ में आ जाता है मैं प्राण नहीं हूं ये भी समझ में आ जाता है लेकिन मैं मन नहीं हूं मैं बुद्धि नहीं हूं इसके लिए थोड़ा सा और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए कि मैं मन क्यों नहीं हूं मन तो क्या लगता है चेतन लगता है ना यन मनसा न मनुते ये ना उर्मोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपास में जिस मन के द्वारा हम सब कुछ मनन करते हैं। जिस मन के द्वारा सब कुछ मनन करते हैं लेकिन ये जो मन जिसका मनन नहीं कर सकता यन मनसा न मनुते जो मन के द्वारा जिसका मनन नहीं होता ये मनोमतम जिसके कारण से ये मन अभिष्ट विषयों का मनन करता है तदेव ब्रह्म तम विधि उसको ही तुम ब्रह्म जानो नेदम यदिदम उपासते और जो कुछ भी ये इदम रूप से पूजा जाता है ये ब्रह्म नहीं ये ब्रह्म नहीं है मन जिसकी कृपा से मनन करता है तो इसी प्रकार से ये मन भी मैं नहीं इस मन को भी मैं देखने वाला हूँ मन को भी प्रकाशित मैं कर रहा हूं और बुद्धि बुद्धि ने जो निश्चय किया बुद्धि में जो चल रहा है इस जड़ बुद्धि को भी मैं जानने वाला हूँ और ये जड़ होते हुए बुद्धि मुझे चेतन से प्रकाश पा करके क्या लग रही है चेतन वत प्रतीत हो जैसे रात्रि होती है और रात्रि में चंद्रदेव क्या होते हैं प्रकाशित तो होते हुए भासते हैं लेकिन चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश है क्या अपना प्रकाश है क्या चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और फिर वो चंद्रमा से हम लोगों को यहां से क्या दिखता है चंद्रमा प्रकाशवान दिखता है जबकि चंद्रमा प्रकाशवान है क्या अब चंद्रमा पर जो पहुंच जाए वहां खड़े होकर के देखेंगे तो पृथ्वी उनके लिए ये हमारी पृथ्वी चंद्रमा है उनको क्या लगेगा ये पृथ्वी से चमकती हुई लगेगी इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का और उनको लगेगा कि ये रात्रि में तो चंद्रमा प्रकाश दे रहा है तो इसी प्रकार ये प्रकाश तो सब है ये चेतना तो सब है चेतन की और ये भाषति किसमें है भाष रही है किसकी ये चेतन की है मुझे चेतन आत्मा की है तो सबको प्रकाशित करने वाला मैं चेतन आत्मा हूं तो इसको जानो इसको जानना ही जिस विद्या के द्वारा जाना जाए वही पराविद्या है जिसके द्वारा उस अक्षर की प्राप्ति होती है सन्निहतम क्या है हृदय में सम्यक रूप से सन्निहित है बैठा हुआ है विराजा हुआ है कहा बैठा हुआ है ढूंढ रहा है निरंतर ढूंढ रहा है, है ना लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढ रहा है कहाँ ढूंढ रहा है जहां पर नहीं है वहाँ ढूंढ रहा है मिल जाएगा क्या जहां पर है वहीं ढूंढना चाहिए ना जहाँ पर है वहीं पर ढूंढना चाहिए कहाँ पर है हृदय सर्जुन तिष्ट कहाँ पर विराजमान है है चाहम हृदय सन्निविष्ट कहा विराजमान हूं सभी के हृदय में विराजमान हूं और याव्याम पश्यंती सिद्धा ईश्वरम कहाँ पर है ईश्वर कहाँ पर है परमात्मा कहाँ पर है आपके हृदय में ही कहाँ पर है आपके हृदय में ही है आपकी आत्मा ही तो है अच्छा एक बात है किसी को कहे कि तू परमात्मा है तो बड़ा विचित्र लगता है विचित्र क्यों लगता है क्योंकि जब से जन्म हुआ तब से यही संस्कार पड़े हुए है कि तू शरीर है ये तेरा नाम है तू बेटा है हैं तू बेटी है तू भाई है तू बंधु है है यही संस्कार डाले गए तू जीव है तू परिचिन्न है भगवान अलग है उस भगवान को भज भगवान से डर भगवान को पा भगवान का ध्यान कर तो ऐसे संस्कार क्या है डाले हुए ना निकालते 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 भी नहीं निकलते ये संस्कार ऐसे दृढ़ बैठ गए कि निकलते नहीं है। अच्छा डर लगता है ना यदि ये कहे कि तू आत्मा है परमात्मा है तो व्यक्ति डरता है कि महाराज मैं कहाँ परमात्मा हो सकता हूं मैं कहा आत्मा हो सकता हूं तो इसको ऐसे समझना चाहिए आत्मा को परमात्मा रूप मानने में आप लोगों को डर लग रहा है लेकिन आप ये देखो भूल जाओ एक बार को आप ये देखो वो परमात्मा जीव कैसे बन गया ये जीव को परमात्मा बनाना है इस तरफ से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या लगता है डर लगता है लेकिन आप ये देखो कि वो परमात्मा जीव कैसे बन गया कहा गया कहा है जब थोड़ा सा अन्वेषण करोगे थोड़ा सा विचारोगे तब समझ में आएगा कि वह परमात्मा जो निर्गुण है निर्गुण माने माया रही निर्गुण माने माया रहित गुण क्या है माया त्रिगुणात्मिका माया तो निर्गुण है निराकार है निरवय है व्यापक है वो परमात्मा जीव कैसे बन गया तो समझ आएगा कि अविद्या से अज्ञान से माया से मैंने या उस वो परमात्मा जीव भाव को प्राप्त तो फिर ये बात आपको हजम हो जाएगी ये बात आपको स्वीकार हो जाएगी कि वास्तव में मैं चेतन आत्मा हूं परमात्मा रूप हूं ब्रह्म रूप हूं डरने की जरूरत नहीं है व्यक्ति सोचते हैं कि महाराज यदि आत्मकल्याण नहीं हुआ तो धक्के खाते रह जाएंगे पता नहीं कहां भटकना पड़ेगा अरे हो गया ना ये निश्चय कर ये निश्चय कर कि मैं साक्षी हूं ये निश्चय कर मैं सबका अधिष्ठान हूं ये निश्चय कर मैं आत्मा हूं ये निश्चय तो कर और फिर क्या डर निश्चय करे तो फिर डर है क्या अच्छा अनुभूति नहीं हुई महाराज निश्चय हो गया क्या सब लोग कहते कि अनुभूति नहीं हुई अनुभूति नहीं हुई अनुभूति नहीं हुई निश्चय जब हो जाएगा अनुभूति निश्चित रूप से हो जाएगी अगले ही क्षण हो जाएगी कोई जमीन पड़ी हुई है हमने कुछ पैसे दे करके उसको खरीद लिया निश्चय हो गया ना निश्चय हो गया निश्चय होते ही क्या होती है अनुभूति हो जाती है किसकी है मेरी है निश्चय होते ही नहीं जैसे ही आपको निश्चय हुआ वैसे क्या हो जाती है और निश्चय कैसे हो ये बाकी सब निश्चय हटे कि मैं शरीर हूं मैं जीव हूं मैं इंद्रिया हूं मैं प्राण हूं मैं मन हूं मैं बुद्धि हूं मैं बालक हूं मैं जवान हूं मैं बूढ़ा हूं मैं स्वस्थ हूं मैं बीमार हूं मैं सेठ हूं मैं साहूकार हूं मैं निर्धन हूं मैं पिता हूं मैं पुत्र हूं ये सारे निश्चय हटे तो वो निश्चय रह जाएगा क्या निश्चय कि मैं आत्मा हूं निश्चय हुआ अनुभूति अगले ही पल अगले ही क्षण निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे देखो व्याख्यान जान भी लिया पढ़ भी लिया व्याख्यान देने में कुशल भी हो गए लेकिन यदि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी हुई है तो वो अज्ञानी ही है वो क्या है कोई भी हो आत्मबोध में आने ना तत्वबोध में कुशला ज्ञान वार्तायाम ना सुरागिण तेपि अज्ञानी तया नूनम पुनरा या च ज्ञानवार्ता में कुशल हो गया लेकिन वृत्ति ही ना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी कि मैं ब्रह्म हूं मैं चेतन हूं मैं आत्मा हूं तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो अज्ञानी के ही समान है पुनरायांति, यांतीचा चा दोबारा वो आएगा भी और जन्म भी होगा और इसलिए वृत्ति बने उसके लिए बताया था श्रवण श्रवण के नंतर मनन मनन के अन्तर निधिध्यासन जब आपका निधिध्यासन पक्का हो जाएगा तो तत्व अनुभव आपकी अनुभूति हो जाएगी अभी के लिए इतना ही समय हो गया है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ते शान्तिः शान्तिः